नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। पटना में अगर आप ऑटो से सफर करते हैं तो इस बार बड़ा झटका लगने वाला है। कल से ऑटो का किराया बढ़ने जा रहा है। प्रमंडल के क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार ने पटना शहर के ऑटो किराया पुनर्निर्धारण की तैयारी पूरी कर ली है। आसमान छूते पेट्रोल और डीजल की कीमतों से परेशान लोगों के लिए अब ऑटो पर चढ़ना भी महंगा पड़ेगा। ऑटो संघ लगातार नए सिरे से दर निर्धारण की मांग करता रहा है। ऐसे में अब शहरवासियों को बढ़े किराया के लिए भी तैयार रहना होगा। सोमवार को दर निर्धारण की घोषणा होने जा रही है। 2013 के बाद तय होगा नया दर। पाटलिपुत्र अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल बैरिया से शहर के विभिन्न हिस्सों के लिए किराया तय हो जाएगा, साथ ही ऑटो रूट भी तय होगा। बता दें कि ऑटो का किराया 1992 के बाद 2013 में बढ़ाया गया था। 8 वर्षों के बाद फिर से 2021 में नए दरों की घोषणा होने जा रही है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार ऑटो दर निर्धारण को लेकर ऑटो चालक संघों के साथ बैठक कर चुका है। ऑटो चालक संघों से किराए में वृद्धि पर प्रस्ताव भी मांगा गया था। 2013 में पेट्रोल 64 रुपए तो डीजल 52 रुपए प्रति लीटर था, जबकि वर्तमान में पेट्रोल 91 रुपए और डीजल 84 रुपए प्रति लीटर को भी पार कर गया है। ऑटो चालक संघ ने यह कहा है कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के समक्ष ऑटो चालक संघों ने सर्वसम्मति से रिजर्व ऑटो के लिए 22 रुपए की दर से प्रथम किलोमीटर और उसके बाद प्रति 10 रुपए किलोमीटर के दर से किराया निर्धारण करने का प्रस्ताव दिया है, जबकि वर्तमान में यह 18 रुपए प्रति किलोमीटर निर्धारित है। शेयरिंग में शहर के विभिन्न हिस्सों के लिए चलने वाले ऑटो के लिए प्रत्येक स्टॉपेज पर 1 रुपए किराए में वृद्धि का प्रस्ताव दिया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार इस प्रस्ताव पर मंथन भी कर चुका है। आमजन पर इस कारण नहीं पड़ेगा असर। ऑटो चालक संघ का कहना है कि ऑटो किराया में वृद्धि का असर आम लोगों पर नहीं पड़ेगा। कई रूटों पर ऑटो चालक पहले ही किराया बढ़ा चुके हैं। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में वृद्धि के कारण ऑटो परिचालन पर संकट उत्पन्न हो गया है। सरकार के किराया निर्धारण से काफी राहत मिलेगी। जिला परिवहन पदाधिकारी की माने तो किराया निर्धारण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। नए बस टर्मिनल से ऑटो और सिटी बस चलाने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। रूट और किराया की घोषणा भी सोमवार को हो जाएगी। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि ऑटो किराए में कितनी वृद्धि होती है, क्योंकि ज्यादा किराया बढ़ने से लोगों की जेब पर तो असर पड़ेगा ही, साथ ही साथ परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।